गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 4 विच इज केमिकल बॉन्डी एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, आज हम लोग सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हम ऑलरेडी आयनिक बॉन्ड, ऑक्टेट रूल एंड कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, तो आज के सेशन में हम बेसिकली डिस्कस करते हैं फॉर्मल चार्ज, लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल एंड सम अनदर फैक्टर्स रिलेटेड टू कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फर्स्ट वी नो अबाउट व्हाट इज फॉर्मल चार्ज। इन पॉलीएटॉमिक आयंस द नेट चार्ज इज द चार्ज ऑन द आयन एज अ होल एंड नॉट बाय पर्टिकुलर एटम। However, charge can be assigned to individual atom or ion. These are called formal charges. ठीक है, तो देखिए ये formal charges का concept क्या बताता है हमें, कि आपने previous section में देखा होगा कि उसमें हम लोगों ने जब covalent bond का formation करते हैं तो कुछ ऐसे भी compounds का formation हम लोग करते हैं जो कुछ ions होते हैं, for example carbonate CO3-, ठीक है। तो अब उस पूरे कंपाउंड के ऊपर डबल माइनस का चार्ज आया है, बट हम ये नहीं जानते हैं कि वो जो माइनस निगेटिव जो चार्ज है वो कार्बन पर है या फिर ऑक्सीजन पर है, उसमें किस ऑक्सीजन पर चार्ज है या किस कार्बन पर चार्ज है ये हमें नहीं पता है। बट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज। उसी तरह से सल्फेट आयन SO4 है, NO3 नाइट्रेट आयन माइनस है, ठीक है। तो वो पूरे जो कंपाउंड पर आपको आयन पर दिखाई देता है चार्ज, वो पर्टिकुलर किस एटम पर प्रेजेंट होता है चार्ज, ये हम आइडेंटिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मल चार्ज, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे इसको हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एट, उसके लिए एक पर्टिकुलर फार्मूला है, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर। फर्स्ट वी नो अबाउट हाउ टू मेक अ लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंपाउंड। जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, हम फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं कि किस पर्टिकुलर एटम पर चार्ज आता है। तो पहले हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए, जो कि हम प्रीवियस पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप केयरफुली देखेंगे उसको, उसके बाद से ही ये सेशन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो लेट्स सी, फॉर्मल चार्ज ऑन एन एटम इन अ लेविस स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री एटम, ठीक है। तो उस पर जिस एटम का आप फाइंड कर रहे हैं फॉर्मल चार्ज, उस एटम का यानी सपोज दैट ऑक्सीजन है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जब वो फ्री एटम होता है उस पर कोई चार्ज नहीं होता है तो उस पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन में 6 होते हैं, तो आप यहाँ पुट करेंगे 6 माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद से उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है कि इसको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो नोन एज लोन पेयर्स, ठीक है। तो कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि शेयरिंग नहीं कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर एटम के, उसके टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं बट उसमें से कुछ शेयर कर रहे होंगे कुछ शेयरिंग नहीं कर रहे होंगे, तो लोन पेयर का मतलब जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं, ठीक है। माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है आपको जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को 1/2 इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में ये नहीं कि पर्टिकुलर कुछ केवल उसी एटम का, यानी जैसे ऑक्सीजन अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो उस सिंगल बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक तो उस पर्टिकुलर उस एटम का होगा जिसका हम फाइंड करें, दूसरा जिससे वो कंबाइंड हो रहा है। तो वहाँ पर आप जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो जो बॉन्ड है अगर सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो 4 इलेक्ट्रॉन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे। ऐसा नहीं आप करेंगे कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में केवल पर्टिकुलर उसी एटम का इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, नहीं, उससे वो कितने बॉन्ड बना रहा है उस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पर आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, लेट्स सी एग्जाम्पल, ओजोन O3, ठीक है। O3 जो एटम मॉलिक्यूल है, ओजोन गैस जो है, उसका हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। इट डज नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज, लेट अस कंसीडर द ओजोन मॉलिक्यूल, द लेविस स्ट्रक्चर ऑफ O3 में बी ड्रॉन एज, इस तरह से हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जिससे कि अलग अलग ऑक्सीजन का अलग अलग चार्ज फाइंड आउट किया जा सके। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन O3 जब फॉर्मेशन होता है, O3 में ऐसा नहीं है कि सबका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऐसा नहीं हो पाता, इसी के कारण इस पर चार्जेस आते हैं। तो चार्जेस किस ऑक्सीजन पर हैं वो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं, तो आप जानते हैं ये फॉर्मल चार्ज का फार्मूला था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री एटम। तो ऑक्सीजन है तो फ्री स्टेट में उसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो हमेशा 6 होता है। तो यहाँ 6 - 2, आप देख रहे होंगे कि जो 1 लिखा गया है फर्स्ट ऑक्सीजन जिसको हमने इंडिकेट किया है, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो कि शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, दे आर द लोन पेयर आर नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 6 - 2 - 1/2, और उससे आप देखिए तो 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, तो 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो वहाँ पे पुट करने के बाद जब उसको हम सॉल्व करते हैं तो चार्ज आया क्या +1, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज क्या है +1 है। नेक्स्ट देखिए जिस पे हमने मार्क किया है 2, तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है 6 ही होंगे। वहाँ पर आपका जो नॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो 4 हैं, -4 - 1/2। तो वहाँ पे डबल बॉन्ड देखिए, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पे 4 पुट किया गया। तो यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेट किए तो उस पर 0 चार्ज आया, यानी जो हमारा सेकेंड ऑक्सीजन है उस पर फॉर्मल चार्ज क्या है 0 है। और लास्ट देखिए जिस पे 3 है, तो 3 पे देखिए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 6 ही उसके नॉन शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, -1/2। और उसमें देखिए तो जो फर्स्ट से सिंगल बॉन्ड से वो अटैच्ड है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस पर आ जाता है और सॉल्व करने पे -1। तो हम कह सकते हैं वी रिप्रेजेंट O3 अलॉन्ग विद द फॉर्मल चार्ज एज फॉलो, जैसे कि यहाँ पे एक पे प्लस चार्ज है, दूसरे पे माइनस चार्ज है और एक पर कोई भी चार्ज नहीं है। तो यानी ओवरऑल इसी से एक प्लस एक माइनस कैंसिल आउट होकर के ओवरऑल जो हमारा O3 एटम होता है वो न्यूट्रल हमें रिप्रेजेंट करना होता, क्योंकि उस पर कोई चार्ज नहीं बचता है। बट एग्जैक्टली उसमें चार्ज है बट वो न्यूट्रलाइज हो जाता है अपोजिट चार्जेज होने के कारण, ओके। तो इसी तरह से आप फॉर्मल चार्ज किसी भी कंपाउंड का किसी भी कंपाउंड में किसी भी एटम का फॉर्मल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर एंड दिस फार्मूला, ओके। लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल के कुछ लिमिटेशंस हैं जैसा कि हमने बताया था, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, ठीक है, सभी जितने भी एटम्स होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स करना चाहते हैं, ठीक है, यही ऑक्टेट रूल हमारा बताता है। बट बहुत सारे ऐसे भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन्स एटम्स फॉलो नहीं करते, 8 इलेक्ट्रॉन्स की जो कंडीशन उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन होते हैं उनको हम लोग लिमिटेशंस में देखेंगे। तो फर्स्ट लिमिटेशन इज दैट द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम इन सम कोवेलेंट कंपाउंड सेंट्रल एटम हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जो कि कोवेलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और उनके एटम्स जो हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन कंसीडर नहीं करते हैं आउटर मोस्ट सेल में, इट हैज़ एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। फॉर एग्जाम्पल जैसे पहला है आपका LiCl, तो यहाँ पे लिथियम और क्लोरीन के बीच में 1-1 की शेयरिंग हो रही है, ठीक है, जबकि लिथियम का शेयर करके उसके केवल आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एक लिमिटेशन है। BeH2 बेरिलियम हाइड्राइड है, ठीक है, तो इसमें भी बेरियम जो है 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है जिससे उसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं बट उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसी तरह से BCl3 है, बोरान ट्राइक्लोराइड है, इसमें भी बोरान 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और उसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, फिर भी उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, फिर भी ये सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। सो लिथियम बेरिलियम एंड बोरान है 1, 2, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ओनली, क्योंकि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही इतने थे, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम वो उतना ही शेयर कर सकते हैं, उससे अधिक शेयर नहीं कर सकते, तो इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल है। और इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे भी हैं, जैसे देखिए देयर आर सर्टेन मॉलिक्यूल्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द ऑक्टेट रूल इज़ नॉट अप्लाइड फॉर द एटम्स, ठीक है।
कुछ ऐसे भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है जिसमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखिए आप, ऑड इलेक्ट्रॉन्स जैसे NO है, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो इसमें देखिए नाइट्रोजन जो है उसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे 2-2 डबल बॉन्ड है, यानी 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बट नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 था, 2 उसको मिला, तो 7 ही हुए, उसका ऑक्टेट कम्प्लीट नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये स्टेबल कंपाउंड बनता है। इसी तरह से NO2 है, ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए, तो यहाँ पर भी जो एक ऑक्सीजन से तो कम 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके ऑक्सीजन कंप्लीट कर लेता है, नाइट्रोजन भी 1-1-3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके अपना ट्रिपल बॉन्ड बना करके कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो आपका सेकेंड ऑक्सीजन है जिस पर चार्ज है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है, बट ये भी स्टेबल कंपाउंड होता है। ये सारे जो हैं ये लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल में ही कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपेंडेड ऑक्टेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है और मैक्सिमम चांसेस होते हैं यहाँ से क्वेश्चन पुट अप करने के, क्योंकि इसमें फास्फोरस और सल्फर ही आते हैं और इन फ्यूचर भी इनके कई सारे प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हमें आगे भी इनको पढ़ने हैं, ठीक है। फास्फोरस और सल्फर को हमें इंडिविजुअली भी पढ़ना है नेक्स्ट ईयर, तो यहीं पर इसको जानिए कि ये थोड़े से अलग हैं, एंटीक हैं, ठीक है। ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, ये वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं, उसका रीज़न भी है, इस ये जो एक्सपेंडेड ऑक्टेट है इसका एक रीज़न भी है, ठीक है, कि क्यों ही कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस और सल्फर ही क्यों अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाते हैं, तो इसका रीज़न है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनफील्ड 3D ऑर्बिटल। इनके पास 3D ऑर्बिटल पूरा वैकेंट होता है जिसके कारण ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाते हैं। तो देखिए क्या है, इन मेनी कंपाउंड देयर आर मोर देन 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम, इट इज़ टर्म्ड एज एक्सपेंडेड ऑक्टेट। फॉर एग्जांपल जैसे देखिए फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 285 होगा, यानी इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप जानते हैं जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको 3 की नीड होती है 8 कंप्लीट करने के लिए, बट यहाँ फास्फोरस जो है वो 5 शेयरिंग कर रहा है, 5 शेयर करके उसके आउटर मोस्ट में 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और ये स्टेबल कंपाउंड बनता है। क्यों ऐसा ये कर पाता है, क्योंकि इसके पास 3D ऑर्बिटल जो होता है वैकेंट होता है और उसमें भी ये इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर पाता है। तो ये फास्फोरस के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर पाता है। सेम एज उसी तरीके से सल्फर भी है, SF6 बनाता है, तो सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 की नीड होती है, तो ऐसा ये नहीं है कि ये केवल अधिक ही इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो भी करते हैं और फॉलो नहीं भी करते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसमें ये फॉलो करते हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड बनाते हैं जिसमें फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। तो जहाँ नहीं फॉलो करते हैं वहीं पर ही अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड करते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है सल्फर के और शेयरिंग करने के बाद उसके पास 12 हो जाता है। सेम लॉजिक है कि इसके पास भी 3D ऑर्बिटल जो है वो वैकेंट है। जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप बाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग करेंगे तो आता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, ठीक है। तो p में तो अभी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए है और इसके पास 3d0 भी है, तो 3d0 भी में भी इलेक्ट्रॉन्स ये फिल कर सकता है। क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होता है कि वाई सल्फर फॉर्म SF6 बट ऑक्सीजन डज नॉट फॉर्म OF6, क्योंकि देखिए ऑक्सीजन और सल्फर सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं और आप जानते हैं कि सेम ग्रुप के मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो सल्फर जो है वो SF6 का फॉर्मेशन करता है बट ऑक्सीजन OF6 का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है और सल्फर में डी ऑर्बिटल जो होता है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4 होगा और 2d नहीं होता, क्योंकि सेकेंड सेल में केवल आप s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल ही होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और सल्फर के पास 3rd सेल आता है जिसमें कि डी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट होता है। ओके, अदर ड्रॉबैक्स ऑफ ऑक्टेट थ्योरी,
कुछ ऐसे भी हैं जैसे सम नोबल गैसेज आल्सो कम्बाइंड विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन टू फॉर्म नंबर ऑफ कंपाउंड. ठीक है, आप जानते हैं कि नोबल गैसेज जो होते हैं उनका आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं कम्प्लीटली, इसी वजह से वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते. बट जेनान इज़ अ नोबल गैस, ऑन सर्टेन कंडीशन जेनान कैन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फ्लोरिन. जेनान जो है वो नोबल गैस होते हुए भी कुछ सर्टेन कंडीशंस में फ्लोरिन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जो कि जबकि उसके पास आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो ये भी ऑक्टेट थ्योरी का एक्सेप्शन ही है, ड्रॉबैक भी है. दिस थ्योरी डज नॉट अकाउंट फॉर द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, ये जो थ्योरी है ऑक्टेट रूल से हम किसी भी मॉलिक्यूल का शेप फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. इसके लिए शेप साइज कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हम आगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दो थ्योरीज बताएंगे, वेस्पर थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है, तो वहाँ पर किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. इट डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट द एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी. ठीक है, तो ये स्टेबिलिटी कौन स्टेबल होगा कितना होगा उसके बारे में भी ये कोई आइडिया नहीं देता है. ठीक है, तो ये भी कुछ ड्रॉबैक्स ही हैं ऑक्टेट थ्योरी के. ठीक है, अब कुछ यहाँ पर कोवेलेंट कंपाउंड से रिलेटेड टर्म्स हैं उनको हम जानेंगे. जैसे आपका बॉन्ड लेंथ, इट इज़ डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियाई ऑफ द टू बॉन्डेड एटम्स. प्रीवियस पार्ट में वहाँ पे हम लोगों ने ऐसा पढ़ा ही था. तो देखिए यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड लेंथ क्या होता है, जो सिंगल डबल ट्रिपल जो भी बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड लेंथ क्या होगी. तो यहाँ पे दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होता है उसे ही हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल. ठीक है, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ए. एक्सपेरिमेंटली इट कैन बी डिफाइंड बाई एक्स रे डायफ्रेक्शन और इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन मैथड. ठीक है, तो इन्हें हम ऐसे आँख से तो देख नहीं सकते हैं, तो ये एक्स रे या डायफ्रेक्शन या इलेक्ट्रॉन डायफ्रेक्शन मैथड से ही फाइंड आउट किया जाता है इसका बॉन्ड लेंथ. नेक्स्ट इज बॉन्ड एंगल. इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. जब हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें आप देखिए तो अलग अलग डायरेक्शन में हम बॉन्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. तो वहाँ पर आप देखिए तो उनके बीच कुछ एंगल्स का फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंगल. जनरली हम लोग जब पेपर पर ड्रॉ करते हैं बॉन्ड को तो हम बिल्कुल 2D प्लेन पर बनाते हैं, तो बट इसका एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर होता है वो 3D होता है, जिसको हम वेस्पर थ्योरी में आपको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो वहाँ पर अलग अलग तरह के अलग अलग डिग्री के एंगल्स का भी फॉर्मेशन होता है. इट हेल्प्स अस डिटरमाइनिंग द शेप. इससे हम शेप भी बता सकते हैं अलग अलग एंगल्स के बेसिस पे. इट कैन बी एक्सप्रेस इन डिग्री. डिग्री में ही एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं. बॉन्ड एंगल कैन बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन बाई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड. तो इसको हम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड से बॉन्ड एंगल को डिटरमाइन कर पाते हैं. स्पेक्ट्रोस्कोपिक मैथड जो है आपको ग्रेजुएशन में पढ़ने को मिलेगा. बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी यानी कि बॉन्ड एनर्जी. अब तोड़ने के लिए भी एनर्जी की नीड होती है ब्रेक डाउन करने के लिए. इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर टू ब्रेक वन मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेपरेट देम इनटू गैसियस बॉन्ड गैसियस एटम्स. ठीक है, तो कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल है, जब कोई भी मॉलिक्यूल जो है गैसियस स्टेट में है तो उसके बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने के लिए जो हमें एनर्जी की नीड होती है दैट इज़ कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी और बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एंथैल्पी इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और सिंपल बॉन्ड एंथैल्पी. इसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी बोलते हैं, क्यों डिसोसिएशन में तो ब्रेक डाउन करने के लिए नीड जो एनर्जी होती है. यूनिट ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी तो किलो जूल पर मोल होता है. ग्रेटर द बॉन्ड एंथैल्पी स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. ऑब्वियस है कि बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्गर होगा उतना ही अधिक एनर्जी की हमें नीड होगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए तो HH बॉन्ड है, H सिंगल बॉन्ड H है, यानी हाइड्रोजन के भी सिंगल बॉन्ड है, तो उसकी जो एंथैल्पी है बॉन्ड एंथैल्पी वो 435.8 किलो जूल पर मोल है. वहीं हम देखेंगे डबल ट्रिपल बॉन्ड में तो वहाँ पे अधिक हो जाएगा. द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी इज आल्सो रिलेटेड टू बॉन्ड मल्टीप्लीसिटी. मल्टीप्लीसिटी आल्सो रिलेटेड टू द ब्रेक डाउन.
ग्रेटर द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी मोर विल बी द बॉन्ड एंथैल्पी। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे बॉन्ड एंथैल्पी आप सीसी बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम है। सिंगल बॉन्ड था 347 किलो जूल पर मोल चाहिए एनर्जी, वाइल दैट ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो कार्बन डबल बॉन्ड जब है तो वहाँ पे मोर एनर्जी चाहिए, 610 किलो जूल पर मोल चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि सभी सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी एक ही जैसी होती है, नहीं, ये डिपेंड करता है उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर भी और उनकी साइज पर भी डिपेंड करता है। तो आप सोच रहे होंगे कि वहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड था तो 435 चाहिए था एनर्जी, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 347। तो ये अलग अलग है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उसकी साइज अलग है, कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी साइज अलग है, इस वजह से ये सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो वैरी करती। इसी तरह से डबल बॉन्ड में भी वैरी करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी वैरी करेगा, लेकिन ये श्योर है कि सिंगल बॉन्ड के लिए जो एनर्जी होगी सबसे कम होगी, डबल बॉन्ड उससे अधिक होगा, ट्रिपल बॉन्ड तो अधिक होगा ही, क्योंकि आप जानते हैं यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, एकता में शक्ति होती है, तो जितने अधिक बॉन्ड होंगे एनर्जी उतनी अधिक होनी चाहिए। इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल द टर्म मीन और एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी इज यूज, ठीक है, पॉली एटॉमिक होते, पॉली एटॉमिक का मतलब जिसमें अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो वहाँ पर इसे एवरेज बॉन्ड एंथैल्पी बोला जाता है। सम एग्जाम्पल्स इज हियर, तो यहाँ पर आप देखिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन का है 435, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, तो अलग अलग बॉन्ड की एंथैल्पी जो है वो अलग अलग होती है। सबसे अधिक यहाँ पे देखिए तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच का है ट्रिपल बॉन्ड, तो 946 किलो जूल पर मोल होता है, ठीक है, इस तरह से अलग अलग वेरीज करती हैं। बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू लेविस इन अ कोवेलेंट बॉन्ड द बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाई द नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। तो बॉन्ड ऑर्डर सिंपली जो होता है वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं वही उसका बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिए H2 में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, O2 में डबल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा, बॉन्ड ऑर्डर N2 में देखेंगे तो 3 होता है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल्स या फिर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स आपस में कंबाइंड होते हैं, तो उसमें दोनों ही एटम्स के जो बॉन्ड ऑर्डर होंगे वो सेम होंगे। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है तो हाइड्रोजन, किसी भी हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछेंगे यहाँ पर तो 1 ही होगा, दोनों में से किसी ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 ही होगा, और दोनों नाइट्रोजन में से किसी भी नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 ही कहलाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल F2 फ्लोरीन का देखते हैं, O2 डबल माइनस है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है, तो यहाँ पर इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो 1-1 है, ठीक है। जब आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। N2CO एंड NO प्लस है बॉन्ड ऑर्डर 3, ये आपका होमवर्क है, आप इनका स्ट्रक्चर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे इनके बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है। विद द इंक्रीज इन बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी इंक्रीजेस, नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज करेगी, क्योंकि जितने अधिक बॉन्ड होंगे उनको ब्रेक डाउन करने के लिए उतनी ही अधिक एनर्जी की नीड होती है। एंड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेज, और उनकी बॉन्ड की जो साइज़ होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, जैसे बॉन्ड फॉर N2 बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 है, बॉन्ड एंथैल्पी 946 किलो जूल पर मोल है, वहीं O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसकी बॉन्ड एंथैल्पी 498 किलो जूल पर मोल है। लेट्स सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अब ये रेजोनेंस क्या होता है यहाँ पर हम जानेंगे। देयर आर मेनी मॉलिक्यूल्स हुज बिहेवियर कांट बी एक्सप्लेन बाई अ सिंगल लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेविस स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन रिप्रेजेंटेटेड फॉलोस, ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी मॉलिक्यूल्स हैं जिनके जब हम डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक ही डॉट स्ट्रक्चर से उनकी सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो एक्सप्लेन नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका एक डॉट स्ट्रक्चर सफिशियंट नहीं होता है सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, तो हमें नीड होती है उसकी डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की। डिफरेंट स्ट्रक्चर्स यानी बॉन्ड, इसमें आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे कि आप आइसोमेरिज्म लास्ट ईयर पढ़े थे, तो उसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट
स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है, बट यहाँ पर क्या है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा, बट पोजीशन ऑफ द बॉन्ड जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम, बट पोजीशन ऑफ द बॉन्ड्स आर डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसकी नीड क्या है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं हो पाती हैं, तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल मॉलिक्यूल्स की नीड होती है। तो यहाँ ओजोन का आप देखिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, सेकंड, आपको दोनों में लग रहा होगा दोनों तो आइडेंटिकल हैं, बट देखिए पोजीशन ऑफ द जो बॉन्ड है वो चेंज हो गया है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। Thus, according to the concept of the resonance, whenever a single Lewis structure can't explain all the properties of the molecule is then supposed to have many structure with similar energy. ठीक है, तो ये जो हमने बताया कि एक स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाता है तो हमें डिफरेंट स्ट्रक्चर की नीड होती है, बट फार्मूला चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम चेंज नहीं होगा, बस उनके बॉन्ड के पोजिशन चेंज होते हैं। पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन एज द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। कैनोनिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नोन एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द हाइब्रिड विच डिस्क्राइब द मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, जिससे कि हम मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली डिफाइन कर सकते हैं ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से। फॉर O3 द टू स्ट्रक्चर सोन अबव द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड द थर्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर ऑफ O3 मोर एक्यूरेटली। ठीक है, तो उन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को आपस में मर्ज करके थर्ड स्ट्रक्चर बनाया गया है, आप TBS जा करके देख सकते हैं या फिर PDF डाउनलोड करके उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड स्ट्रक्चर है उसके हेल्प से हम O3 यानी ओजोन मॉलिक्यूल्स की सारी प्रॉपर्टीज को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, सभी प्रॉपर्टीज आसानी से समझ में आ जाएंगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। सम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सम मोर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर शोन एज फॉलोअर्स। तो कुछ यहाँ पे और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस एसिड एंड हाइड्रोजोइक एसिड। तो इसमें आप देखिए वही मॉलिक्यूल्स हैं, वही स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर पोजीशन ऑफ द बॉन्डेड जो है वो थोड़े चेंज हो जाते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सॉरी, नेक्स्ट वन इज पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स। पोलरिटी, कई बार ये टर्म्स हमने यूज किया है, पोलरिटी, पोलर एंड नॉन पोलर। ठीक है, जब भी पोलर या नॉन पोलर का बात आता है तो हमें तुरंत ध्यान में पोल्स की बात आती है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो यानी अपोजिट टर्म्स यहाँ पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे सिमिलर होंगे तो नॉन पोलर होंगे और अपोजिट होंगे तो पोलर होंगे, ऐसे ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले हम उनको देखेंगे। व्हेन द एटम्स ज्वाइंट बाय कोवेलेंट बॉन्ड आर द सेम लाइक H2O2Cl2, द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वली अट्रैक्टेड बाई टू एटम्स एंड दस द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज इक्वी डिस्टेंट टू बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ये जनरली प्रेजेंट होते हैं होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स में। होमो एटोमिक यानी सिमिलर एटम्स जिसमें कंबाइंड होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग कहते हैं होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स, और उसी में प्रेजेंट होते हैं आपके नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसमें क्या होगा कि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दोनों तरफ से, अगर हाइड्रोजन एटम है तो जो भी शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर जो अट्रैक्शन होता है वो दोनों तरफ से सेम होगा। दोनों ही तरफ से जब सेम अट्रैक्शन होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी भी एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होते हैं, जिसके कारण इन्हें हम कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, लेकिन वहीं अगर अलग अलग होंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अलग होगी, तो कोई अधिक अट्रैक्ट करेगा कोई कम अट्रैक्ट करेगा, तो वहाँ पर पोलरिटी पॉसिबल होती है। तो आप सिंपली बता सकते हैं कि होमो एटोमिक मॉलिक्यूल्स आर नॉन पोलर ड्यू टू सेम अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट इन बोथ द एटम्स। ठीक है, ओके, अल्टरनेटिवली वी कैन से दैट इट लाइज एग्जैक्टली इन द सेंटर ऑफ द बॉन्डिंग एटम्स। आप ये भी कह सकते हैं कि जो नॉन पोलर में होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सेट के बिल्कुल
सेंटर में प्रेजेंट होंगे क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। समझ लीजिए कि बैलेंस फोर्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। एज अ रिजल्ट नो पोल्स आर डेवलप एंड द बॉन्ड इज कॉल्ड एज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, द करेस्पॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आर नोन एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। और इस तरह के मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखिए, दोनों तरफ से हाइड्रोजन है तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बिल्कुल बीचों बीच है क्योंकि दोनों तरफ से सेम फोर्स अप्लाई हो रहा है। वहीं क्लोरीन के भी केस में सेम है। ओके, पोलर बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आता है। व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन टू एटम्स गेट्स डिस्प्लेस टूवर्ड हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली क्या है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा आपका पोलर बॉन्ड। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होती है दोनों एटम्स की, तो जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अधिक होगी वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट अधिक करेगा, जिसकी कम होगी वो कम करेगा। तो जिसके कारण वहाँ पर पॉसिबिलिटी होता है पोलरिटी की। तो जो अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है, जो उससे दूर जाता है उस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यही पोलरिटी का फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे देखें, सीएल मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन के कंपेरिजन में बहुत ही कम होती है। सिंस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हाई एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन, दस इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिस्प्लेस मोर टूवर्ड्स क्लोरीन एटम, दस क्लोरीन विल एक्वायर अ पार्शियल निगेटिव। ठीक है, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से बहुत अधिक होती है, तो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्लोरीन अपनी तरफ अधिक अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण उस पर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे हम पार्शियली निगेटिव चार्ज को डेल्टा माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं और पार्शियली पॉजिटिव को हम डेल्टा प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप एग्जांपल में यहाँ पे देखिए नीचे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन के ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिफरेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बिटवीन द एटम्स होता है। हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी देखिए, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन से कम होती है, तो वहाँ पे फ्लोरीन पे निगेटिव और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव। HCl में भी देखिए और HBr में भी, तो यहाँ पे एक ऑर्डर है। HF जो है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इज मोर पोलर देन HCl, इज मोर पोलर देन HBr। ऐसा क्यों है, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है, वो सबसे अधिक अट्रैक्ट करेगा। क्लोरीन की उससे कम होती है तो वो कम अट्रैक्ट करेगा, और ब्रोमीन की उससे कम होती है तो वो और कम अट्रैक्ट करेगा। तो ये पोलरिटी का ऑर्डर भी पूछा जा सकता है, और ये टोटली डिपेंड कर रहा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द एटम पर। नेक्स्ट इज डाइपोल मोमेंट, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द पोलरिटी। ठीक है, ये भी पोलरिटी से ही रिलेटेड है डाइपोल मोमेंट। ड्यू टू पोलरिटी पोलर मॉलिक्यूल्स आर आल्सो नोन एज डाइपोल मॉलिक्यूल्स एंड दे पॉजिट डाइपोल मोमेंट। ठीक है, पोलरिटी के कारण जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें ही हम डाइपोल मॉलिक्यूल्स करते हैं। ठीक है, और उनके बीच एक डाइपोल मोमेंट एग्जर्ट होता है, डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है। डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है कि पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के मल्टीपल, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड यानी जो भी उसकी वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा जो भी होगी, ठीक है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज, और उनके चार्जेज यानी दोनों एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही उनके चार्जेज का भी डिस्टेंस होता है, उन दोनों के मल्टीपल के इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इंटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। चार्ज को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और डिस्टेंस को डी से, तो म्यू इज इक्वल्स टू क्यू इंटू डी। इट इज़ एक्सप्रेस इन डेबाय, इसकी यूनिट जो होती है डेबाय होती है, किसकी, डाइपोल मोमेंट की, इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड वन डेबाय इज इक्वल्स टू 3.33564 इंटू 10^-30 सेंटीमीटर। ओके, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डू यू नो अबाउट वेक्टर क्वांटिटी, विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। इट इज डिपिक्टेड बाई ए स्मॉल एरो विथ टेल ऑन पॉजिटिव सेंटर एंड हेड पॉइंटिंग टूवर्ड्स द निगेटिव सेंटर। इसे हम स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो टेल होता है एरो का वो पॉजिटिव की तरफ रखा जाता है, और जो
हेड होता है उसे हम निगेटिव की तरह रिप्रेजेंट कर, जैसा कि एग्जाम्पल में आप देखिए एच एफ में एच जो होता है पार्शियली पॉजिटिव होता है, उसकी तरफ टेल है और फ्लोरीन की तरफ हेड है क्योंकि वो पार्शियली निगेटिव होता है। विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट द डिग्री ऑफ पोलरिटी ऑफ बॉन्ड्स कैन बी एक्सप्रेस। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम डिग्री ऑफ पोलरिटी भी बता सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है कितना अधिक पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की जो डाइपोल मोमेंट होती है वो ज़ीरो होती है, ठीक है, और जितने भी पोलर होते हैं वो ग्रेटर देन ज़ीरो उनकी वैल्यू होती है। एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट फॉर डिटरमाइनिंग द पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, तो पहला इसका फ़ायदा क्या है, इसका यूज कहाँ किया जाता है, पोलरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने में। इट फाइंडिंग द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये शेप फाइंड आउट करने में भी इम्पॉर्टेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूल्स विथ ज़ीरो डाइपोल मोमेंट विल बी अ लीनियर सिमेट्रिकल, जिनकी ज़ीरो डाइपोल मोमेंट होती है यानी जिन होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, और वो सिमेट्रिकल भी होते हैं। सिमेट्रिकल आप जानते हैं मैथमेटिक्स का टर्म है। दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव अनसिमेट्रिकल शेप्स विल बी आइदर बेंट और एंगुलर, जो नॉन सिमेट्रिकल होते हैं, सिमेट्रिकल का मतलब टू इक्वल पार्ट में आइडेंटिकल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सके, और अनसिमेट्रिकल जो टू अनइक्वल टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सके, ठीक है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स पोलर होते हैं अनसिमेट्रिकल होते हैं उनका साइज जो होता है वो बेंट या फिर एंगुलर होता है। जैसे NH3 है, NH3 के लिए डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 1.47 है, तो NH3 को हम 2D पेपर पे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आप सिंपली XY प्लेन पे दिखा सकते हैं, बट एग्जैक्ट शेप जो होता है उसका XYZ तीनों पे आता है। इन कैलकुलेटिंग द परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर बॉन्ड, और डाइपोल मोमेंट के ही हेल्प से हम परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर ऑफ पोलर बॉन्ड, पोलर बॉन्ड जो होते हैं वो आयनिक कैरेक्टर के होते हैं क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल भी होते हैं, तो ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे वेस्पर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, और हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी क्वेरीज होंगी आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस।